हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज के इस वीडियो में पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो क्लास चल रही है उसका पार्ट टू है, पार्ट टू डिस्कस करेंगे। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं एज अ क्विक रिवीजन। देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे वही रिपीटेड क्वेश्चन जो आपका एसएससी रिपीट करता ही रहता है। देखिए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वर एडेड बाय फोर्थ अमेंडमेंट, वर एडेड बाय द पार्लियामेंट इन 1952, या वर एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ अगर, तो देखिए हमारे ओरिजिनल ही पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी अमेंडमेंट के थ्रू इसको नहीं डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। चीफ सोर्स क्या है पॉलिटिकल पावर का इंडिया में? इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो भाई वी द पीपल आर द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? 1976, जो आपका 42nd अमेंडमेंट है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाल दी गई थी। टोटल फिलहाल 11 हैं, ये जो एक्स्ट्रा एक डाली हुई 86वें अमेंडमेंट के तहत डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्पिटेंट बॉडी टू डिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके जो भी नियम कानून होते हैं पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है आपका? पार्लियामेंट डिसाइड करता है, फुल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास ही होती है। देखिए, राइट टू पब्लिक ऑफिस आपका किस तरीके का राइट है? ये आपका सिविल राइट है। नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, नॉट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये आपकी कैसी ड्यूटी है? ये आपकी एक सिविल ड्यूटी है एज अ सिटीजन, ये आपकी एक सिविल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु प्रपोज द प्रिम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रिम्बल किसने प्रपोज किया था? आप सभी को पता होगा, आपका जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था। देखिए, डुअल सिटीजनशिप किस तरह की गवर्नमेंट का एक फीचर है? इंडिया में क्वासी फेडरल है, तो देखिए, लेकिन सिटीजनशिप डुअल नहीं है, ये फेडरल फॉर्म की जो कंप्लीट फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट है आपकी यूएसए में है। यूएसए में द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिविंग प्रोमिनेंस टू द, देखिए एसेंशियल फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंसी किससे दी जाती है? सिटीजन्स को दी जाती है, बिकॉज वी सिटीजन वी होल्ड द पावर टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट। देखिए, विच केस इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा केस फंडामेंटल राइट से बिलोंग करता है? देखिए, गोरखनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का जो केस है फंडामेंटल राइट से बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू प्रिम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ वी द पीपल, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया शायद। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, देखिए किस कमेटी की रिकमेंडेशन हुई थी जब फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट किए गए थे? देखिए, वो थे आपकी सेवन सिंह कमेटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट, कौन सा आपका पॉलिटिकल राइट है? ये क्वेश्चन पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हैं। पॉलिटिकल राइट आपका राइट टू वोट। हु कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? देखिए, पार्लियामेंट 359 के तहत प्रेसिडेंट को भी हक होते हैं आपके फ्रीडम ऑफ राइट सस्पेंड करने के। प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन, देखिए प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप कब एप्लीकेबल हुई थी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 1950 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंडियन सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसका सही आंसर है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 301 के तहत डाल दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, देखिए कौन सी है? वो आपकी हैबियस कॉर्पस है, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस विद बॉडी। Which of the following chapters in the Indian Constitution guarantees fundamental right? Fundamental right जो आपके हैं वो part 3 में है, इसमें आपके director principle of the state policy, union territory, citizenship। Which of the following articles
सिटीजनशिप राइट्स ऑफ द पीपल हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक सा क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल 6 में बात की गई है उन माइग्रेट बन सके जो पाकिस्तान से आ रखे इंडिया में सिटीजनशिप के लिए, आर्टिकल 6 में। फ्रेटर्निटी का जो फ्रेटर्निटी जो वर्ड है प्रेम्बल में है, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है आपका ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। ओके फ्रेंड्स, ब्रदरहुड है इसका मतलब फ्रेटर्निटी का, फ्रांस से लिया गया है। द मिनिमम एज ऑफ बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, देखिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कम से कम 35 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए, और लोकसभा की बात करें तो 25 साल होनी चाहिए। वोटिंग एज होती है आपकी 18। इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, देखिए कौन देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देखिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ग्रांट करती है आपको क्या, सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और क्या कहा जाता है? देखिए रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिबल, फेडरली प्रेसिडेंशियल, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। कैसी गवर्नमेंट होती है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज और आर कॉम्पिटेंट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का स्कोप जो थोड़ा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले रिट्स के मामले में। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अश्योर्ड इन, देखिए स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसकी होती है? देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर जो आप अपनी बहुमत लोकसभा में नहीं साबित कर पाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ पारित हो जाता है, तो फिर आप या मनी बिल नहीं पास कर पाते, तो आपकी सरकार गिर जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर हैव टू रिजाइन एंड दे गिव द रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए इनमें से कौन है जो प्रेसिडेंट है जो इंडिया के वो अपॉइंट नहीं करते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को भी करते हैं, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन होता है, ही इज नॉट अपॉइंटेड। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द यूनियन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया शैल बी फिल विद इन, देखिए कितने टाइम पीरियड में फिल कर देनी चाहिए, तो देखिए आपके 6 महीने में फिल कर देनी चाहिए। वहीं पर ही मैं बात करूँ अगर जो आपके वाइस प्रेसिडेंट की, तो कितने टाइम पीरियड में फिल कर देनी चाहिए? देखिए नो लिमिट, संविधान में ऐसी कोई टाइम पीरियड दिया ही नहीं रखा है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो बता रखा है लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इन द इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद द, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किनके पास होती है? किनके पास? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यही होते हैं मेन लॉ मेकर। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो आप सबको पता ही होगा इसका आंसर है 6 मंथ्स होता है मैक्सिमम टाइम पीरियड। अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा ऑल्सो वैन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन। देखिए क्या टाइम पीरियड होता है लोकसभा का? 14 डेज, 14 डेज टाइम पीरियड होता है। और फ्रेंड्स आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की बात कही गई है प्रेसिडेंट की। इम्पीचमेंट की प्रोसेस लागू होने से पहले भी 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। वॉट इज द पीरियड विद इन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी प्लेस बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन अप्रूवल फॉर अप्रूवल। देखिए एग्जैक्ट आंसर है 1 महीने का टाइम दिया जाता है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो देखिए ये अथॉरिटी होती है आपकी लोकसभा के स्पीकर के पास, वही डिसाइड करता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है पहले? प्रेसिडेंट की, उसकी रिकमेंडेशन अनिवार्य होती है। हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा, देखिए राज्यसभा को डिसॉल्व किया ही नहीं जा सकता है, अपर सभा व अपर हाउस को कभी डिसॉल्व किया ही नहीं जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ नो MP फ्रॉम राज्यसभा, देखो कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता, वो आपकी एस्टिमेट कमेटी होती है, इसमें सारे के सारे मेंबर्स आपके लोकसभा के ही होते हैं। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विदाउट द प्रियर अप्रूवल ऑफ, देखिए जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए।
और बताता कौन है, लोकसभा बताता है कि यहाँ पे मनी बिल है कि नहीं। राज्यसभा इंजॉयज मोर पावर देन लोकसभा इन केस ऑफ, देखिए राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर होती है, वो है आपकी सेटिंग अप ऑल इंडिया सर्विसेज, सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किस तरह के प्रिंसिपल पर, किस प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है, वो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर रहती है। स्टेट के पास भी पावर रहती है, यूनियन के पास भी पावर रहती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करें, स्ट्रॉन्ग यूनियन की बात करें, तो ये आपका कहाँ पे होता है, ये आपका कनाडा में है। तो जो कनाडा का फेडरल सिस्टम है या फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है कनाडा की, वो थोड़ी अलग है। इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, देखिए प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा तीनों मिलके फॉर्म करते हैं आपकी पार्लियामेंट। द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू, देखिए कौन सी लिस्ट में एजुकेशन आता है, देखिए एजुकेशन आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। द सैलरीज एंड द अलाउंस पेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय, देखिए ये जो सैलरीज होती है और अलाउंस होते हैं, इन्हें कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट्स के मेंबर्स का, पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बीन फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली, तो देखिए 545 तो लोकसभा के और 250 आपके राज्यसभा के। द अथॉरिटी टू प्रोलोग द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रेस्ट विद प्रेसिडेंट, देखिए एपिलोग भी प्रोलोग भी दोनों के दोनों प्रेसिडेंट ही करता है। ओके फ्रेंड्स, द प्रेजेंट रूल इज इम्पोज ऑन अ स्टेट, ए प्रेजेंट रूल इज इम्पोज ऑन स्टेट व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द मिनिस्टर रिजाइन द गवर्नर ऑफ द स्टेट डाइज द इलेक्शन आर अनाउंस देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। देखिए प्रेजिडेंट रूल लगता कब है, कब लगता है प्रेजिडेंट रूल, जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाती है आपकी, ठीक है, तभी तो प्रेजिडेंट रूल लगता है उस स्टेट में। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज द चीफ सेक्रेटरिएट एंड अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, देखिए स्पीकर ही अपॉइंट करता है किसको, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, और ये वहाँ का सेक्रेटरिएट भी होता है लोकसभा का। वैन वॉज जीरो आर इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट्री अफेयर में जीरो आर्स, देखिए 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वैन द ऑफिस ऑफ द बोथ प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन वैकेंट, हु विल डिस्चार्ज देयर फंक्शन, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर जो प्रेजिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर जो चीफ जस्टिस भी नहीं है, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, किसकी तरह, देखिए ब्रिटिश मोनार्च की तरह, जैसे वहाँ पे क्वीन है, शी शेयर सेम पावर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेयर एज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया आर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज एलिजिबल टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट ओवर अ बिल इज अ जॉइंट परमानेंट और जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जब एक टाई हो जाता है उस केस में स्पीकर अपना कास्टिंग वोट डाल सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कास्टिंग वोट कहते हैं, कास्टिंग वोट डाल सकता है। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन द राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू, देखिए राज्यसभा की सीटों का गठन किस तरीके से किया जाता है, देखिए पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट के बेस पे, जैसे पॉपुलेशन होगी उस बेस पे राज्यसभा सीटों से स्टेट की गठित की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अब पार्ट 3 बहुत जल्दी अपलोड होगा, बाकी आप सब बने रहिए हमारे साथ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।